तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा YouTube चैनल, जो आपको पता है MCG Academy ग्वालियर। तो वहां पर आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि वहां पर भी रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए होती हैं। और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है प्रमोद सिंह रावत, तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। ओके, चलिए एक बार शुरुआत कर सकते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आज का जो आप सभी का पहला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तैयार रहना सभी लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, पहले ही बोल रखा था कि आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो काफी नया पुराने से मतलब नहीं है, जो पुरानी क्लासेस हैं वही वाले क्वेश्चन आप लोगों के हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को देख रहा होगा, कोई भी सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कमेंट में आंसर नहीं दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी पदार्थ की गति के कारण किसी पदार्थ के फैलने और फैलने को अन्य पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो किसी पदार्थ की गति के कारण किसी पदार्थ को फैलने को क्या कहते हैं। तो मैंने फिर से बोलना चाहूंगा, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग लास्ट में चलिए। तो ये जिसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि फैलने को पदार्थ को क्या कहा जाता है, इसमें आप लोगों का संक्षेपण सी आप लोगों का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसे ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, तो बताना है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। चलिए, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर था कि किसी वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, इसको हम पिघलना कहते हैं, ऑप्शन सी के साथ जाना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वह प्रक्रिया जिसमें एक द्रव पदार्थ गर्म होने पर तेजी से गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो तेजी से जो है क्या गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ गर्म होने पर तेजी से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम वाष्पीकरण वेपोरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसे ठंडा करके गैस को तरल में बदला जाता है। तो गैस को तरल में बदला जाता है, ये आप लोगों को बताना था। ऑफकोर्स तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है, तो ये आप लोगों को पता है, ये संक्षेपण कंडेंसेशन, इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ताप पर सीधे ठोसों में और ठोस का परिवर्तन ठंडा होने पर ठोस में वाष्प का परिवर्तन क्या कहलाता है। थोड़ा क्वेश्चन को सोच लेना, उसके बाद उसका आंसर देना। ओके, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है, तो इसमें जो आप लोगों का क्या कहते हैं, उच्च बनाने की प्रक्रिया, डी के साथ आप लोगों को जाना था। ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, हाँ बिल्कुल 100 क्वेश्चन है आज। एक पदार्थ जो गर्मी, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा को लागू करने की सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो आप लोगों को ओके 50 पर दिखा दिया जाएगा। तो आप लोगों को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोगों को ये बताना है। तो बताइए भाई, उसको क्या कहते हैं, सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसका आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देना, फिर से मैं बोलना चाहूंगा। इसमें जो आप लोगों का अपवादित क्वेश्चन है, सभी को बताना चाहूंगा, सभी के मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे होंगे, कोई भी अपना क्लू नहीं दें। तत्व को आप एक विशेष परिस्थितियों में अलग नहीं कर सकते, परमाणु एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के ही भाग होते हैं। एंड आप लोगों का ये नाभिक जो रहता है, वो आप लोगों का नैनो टेक्नोलॉजी टूटा जाने लगा है, लेकिन फाइनली यहाँ पर आप लोगों का नाभिक ही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एक ऐसा तत्व क्या है जो निंदनीय और नमनीय है और बिजली का संचालन करता है। तो आप लोगों को बताना है, ऐसा तत्व कौन सा है जो निंदनीय है, नमनीय है और बिजली का संचालन भी करता है। प्लीज बोलना चाहूंगा, अच्छे से आंसर देना। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होना था वो आयंस होगा। आप लोग इंग्लिश में यदि एक बार देख लेते तो शायद आप लोगों को क्लियर दिख जाता। ओके, हिंदी में इतना ये क्लियर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, क्वेश्चन जो आप लोगों का नेक्स्ट वाला है वो क्या है, क्वेश्चन ही रहा आपके सामने, एक ऐसा तत्व जो ना तो उपयोग करने योग्य है, ना ही नमनीय है, ना ही बिजली का संचालन करता है। तो अब आप लोगों को बताना है वो क्या होता है। भाई बताइए भाई, इसका आंसर आप लोग आसानी से देना, बिजली का संचालन करने योग्य नहीं होता है, लेकिन ठीक है, आप लोग इसका अपने अकॉर्डिंग दीजिए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, इसमें आप लोगों को जाना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से दो से अधिक तत्वों से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आप बताइए भाई, दो से अधिक तत्वों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं आप लोग। तो इसका आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि रासायनिक तत्वों द्वारा जो है आप लोगों का दो से अधिक तत्वों के बने पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो यदि निश्चित अनुपात में होते हैं तो यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, बुलाया में दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण है। तो बुलाया में दो से अधिक जो है पदार्थों का सजातीय मिश्रण है, आप लोगों को बताना है वो, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जानना है। ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों का अगला,
दो या अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है आप लोगों को ये बताना था। आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं दो या दो से सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? और ये क्या था? बुलाया में, अच्छा ये बुलाया में है और ये नॉर्मली क्या कहा जाता है? चलिए ये तो अलग है क्वेश्चन, बताइए भाई इसको। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फोकस कीजिए। एक प्रकार का घोल जिसमें विलेय कणों का आकार सही समाधानों के बीच मध्यवर्ती होता है और जो सस्पेंशन में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आप लोग बता सकते हो उन्हें क्या कहा जाता है? होने वाला है एक प्रकार का घोल जिसमें विलेय कणों का आकार सही समाधानों के बीच मध्यवर्ती होता है जो सस्पेंशन में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको आप कहते हो कोलाइड्स। क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को देखो एक और चीज क्लियर हो गई होगी, किसी कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए, पिछले वाले से थोड़ा सा इसमें सहायता मिली होगी किसी किसी को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सबसे छोटा कण किसे कहा जाता है? रासायनिक प्रक्रिया की बात की जा रही है तो थोड़ा सा इसको फिर से बोलना चाहूंगा। रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शन को फोकस करना, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, रासायनिक रूप से बंधे दो या दो से अधिक परमाणुओं के एक विद्युत रूप से तटस्थ समूह को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है तटस्थ समूह को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है उसको हम आयन कहते हैं। तो ये आप लोगों का आयन वी आप लोगों का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, एक सकारात्मक और नकारात्मक रूप से चार्ज परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? सकारात्मक और नकारात्मक रूप से चार्ज परमाणु और परमाणुओं के समूह, इसके अकॉर्डिंग जो पिछले वाले क्वेश्चन से सर जो ऐड कर रहे थे, तो इसमें आप लोगों का अणु ही राइट आंसर होगा। मैं सभी को नहीं बोलूंगा गलत है। देखो आयन की आप लोग बोल रहे हो तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा, आप लोगों ने क्यों टिक किया? क्योंकि आप लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के साथ जा रहे थे, मैंने उस क्लास में ही बताया था। एंड साथ ही साथ आप लोगों को परमाणु या परमाणुओं के समूह की बात की जा रही है, तो एक इलेक्ट्रॉनों के लिए परमाणुओं का समूह नहीं हो सकता, परमाणु की बात की जा रही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन सब कुछ होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इसको क्लियर करना था, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाला नेगेटिव जो नकारात्मक आवेश होता है वो आप लोगों क्या कहलाता है? ये तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि नकारात्मक आवेश क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाला धनात्मक आवेश कण क्या कहलाता होगा? कि धनात्मक आवेश कण क्या कहलाता है? तो वो आप लोगों का प्रोटोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना है, ओके। अगला क्वेश्चन, ऑफकोर्स अगला क्वेश्चन, सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाला धनात्मक आवेश कण क्या कहलाता है? ये तो रिपीटेड है। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला तटस्थ कण क्या कहलाता है? तो तटस्थ कण को क्या कहते हैं आप लोग बताइए, है ना। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर क्या होना है कि तटस्थ कण जो आप लोगों का क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन आप लोगों का तटस्थ कण होता है। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा धनात्मक आवेश पाया जाता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है वो अभी तक आप लोगों का प्रोटोन प्रोटोन रहेगा, ओके, डी की ओर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का धनात्मक आवेश भाग की बात की जा रही है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान जरूर रखना, ओके। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, कभी एक ही तत्व के परमाणु समान परमाणु संख्या वाले होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु समान परमाणु संख्या वाले होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याओं को क्या कहा जाता है? लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्याएं उनकी होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो भैया इसको थोड़ा सा देख करके देना, नो लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड आपको देखना है 50 क्वेश्चन तक, तो आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा, सॉरी आज टेस्ट चल रहा है आप लोग टाइम का। इसमें जो आप लोगों को क्लियर है कि परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उनको आइसोटोप्स कहते हैं, ऑप्शन डी के साथ आप लोगों को जाना है। ध्यान रखना परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न, आइसोटोप्स। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, वे प्रतिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी पदार्थ को बनाते हैं, तो वे प्रतिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी पदार्थ को बनाते हैं, वे प्रक्रियाएं जो दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जिन रासायनिक पदार्थों को खट्टा स्वाद होता है उनको क्या कहते हैं? तो भाई अगला जो है, जिन रासायनिक पदार्थों को खट्टा स्वाद होता है एसिड अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जिन रासायनिक पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है कोई बात नहीं, जिन रासायनिक पदार्थों में कड़वा स्वाद होता है तो वो आप लोगों के लिए जो क्या कहलाते हैं, ममले, या इंग्लिश में देखते हैं वेसेस आप लोगों को समझ में आ जाता। जिस पैमाने पर एसिड समाधान के साथ साथ मूल समाधानों की ताकत का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता का उपयोग करके कहा जा
सकता है, तो उनको क्या कहा जा सकता है? आप लोग एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा, जो आप लोगों का होना है कि उसको क्या कहते हैं, इसमें पीएच पैमाना जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा, पीएच पैमाना। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी धातु द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा अम्ल बनाने वाला यौगिक क्या कहलाता है? तो आप लोगों को बताना है उसको भाई क्या कहते हैं, अम्ल बनाने वाला। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो आधार बेसिस के रूप में आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा गठित रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुन लीजिए, एक परमाणु से दूसरे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, ओनली फोर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं? तो रासायनिक बंधन की बात की जा रही है, ध्यान रखना, रासायनिक बंधन, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि रासायनिक बंधन की बात की जा रही है, यदि आप लोगों को, ठीक है, केमिकल बॉन्ड की बात की जा रही है, फिर से मैं एक बार, ट्रांसफर फ्रॉम एटम टू अनदर एटम, केमिकल बॉन्ड, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल बॉन्ड है तुम इसको आसानी से कर सकते हो आप लोग। रानी परमार जी, आप जो काफी लेट हो गई, बहुत ही ज्यादा लेट हो गई हो रानी जी, मैंने बोला था कि अभी मैं बताऊंगा सर, बाय। ओके, आप क्यों जा रहे हो, बता सकते हो, कोई बात नहीं है। यदि इसमें आयनिक बॉन्ड की आप एक्सेप्टेशन कर रहे हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को, अरे भाई रुको, तो मैंने बोल तो दिया है 26 वाले के साथ, मैंने पहले ही बोला था इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण रासायनिक बंद, अरे वाह, ऑफकोर्स भाई मैंने भी पढ़ा है, परेशान ना हो। रानी जी आप काफी लेट हो गई आज की क्लास में, जो 10 रुपए का इनाम था शायद मुश्किल ही आप उसको ले पाओ। रीज़न चाहूँगा मैं इसका, साइंस में क्या है कि कन्फ्लिक्ट चीज़ें होती हैं, और मैं आप लोगों का फिर भी परेशान ना हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को चलना चाहूँगा। इसमें जो है आप लोगों का आयनिक बॉन्ड राइट आंसर होना है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनने वाला रासायनिक बंधन, कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है डायरेक्टली, मैं क्या आप लोगों से बोलूँगा, है ना? अभी इस बात को, अब इसको सोच समझ करके आंसर देना को हो, इसमें आप लोगों का सहसे जीवन कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, दो या अधिक धातुओं के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो भाई सजातीय मिश्रण की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझकर ही बोलना। क्वेश्चन नंबर, इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है जिसमें दो कार्बन परमाणु एक दोहरे बंधन से जुड़े होते हैं? तो बताइए भाई, दो कार्बन परमाणु एक दोहरे बंधन से, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, परेशान ना हो। देखिए, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है जिसमें दो कार्बन परमाणु एक दोहरे बंधन से जुड़े हुए होते हैं? तो उसमें आप लोगों को एल्केन्स कहते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु एक ट्रिपल बॉन्ड से बड़े हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको आसानी से बता सकते, इसमें परेशानी की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, एल्केन्स भी आप लोगों का राइट आंसर ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो आप लोगों का है, कार्बनिक यौगिकों में एक ही आणविक सूत्र होते हैं लेकिन विभिन्न संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो आप लोगों को बताना है, जिसमें आणविक सूत्र तो एक ही होते हैं लेकिन संरचनाएं, राइट आंसर इसमें जो आप लोगों का होना है वो आप लोगों का आइसोमर्स होगा, ऑप्शन नंबर 20 में आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विलयन का वह कौन सा भाग है जो विलय कहलाता है? भाई उस दिन भी आप लोगों का बहस हुई थी, लेकिन आज मैं फाइनल जो आंसर लेकर के आया हूं, उस दिन मेरे से गलती हुई थी, विलायक इसमें आप लोगों का नहीं होगा। ओके, सभी लोग इसके लिए थोड़ा सा वो कर देना, अब आप लोगों को सर होना था, नमक के साथ आप लोगों को जाना था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होता है, तो वो यौगिक आप लोग क्या कहलाते हैं बताओ? जिनमें कार्बन होता है वो आप लोगों के कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला जो आप लोगों का है, वायु को किसी द्रव या ठोस में मिलाने को क्या कहा जाता है? तो वायु को किसी द्रव या ठोस में मिलाने को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए भाई। वायु को किसी ठोस या द्रव में मिलाने को क्या कहा जाता है? कस्मा सागर जी एंड वन अदर, क्या हो गया, क्यों आप लोग ये इमोज इस तरीके का भेज रहे हो मुझे? आप लोगों को पता है कि ये मुझे पसंद नहीं है। वायु को ठोस में मिलाने को क्या कहते हैं? अच्छा, पोल नहीं आया क्या इसका? रुको,
ये तो परेशानी है। रुको यार, रुको 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 रुको, अरे रुको तो यार, बोल रहा हूँ ना, परेशान ना हो, ये नेट डिस्टरबेंस देता है, मैंने पहले ही शुरुआत में ही काट दिया, वो आपको नहीं पहुँच पाएगा। पोल आया क्या अभी तक स्क्रीन पर? नेट क्यों परेशान हो रहा है? पोल आया आप लोगों की स्क्रीन पर कि नहीं? आ गया आ गया आ गया, चलो ठीक है। लाइक 873 पर ही रुक गया, 900 शायद बन के हो जाएगा, और बन के हो गया तो मुझे लीडर बोर्ड दिखाना पड़ेगा। जल्दी कीजिए, इसी 15 सेकंड में तो मैं आपको इसी क्वेश्चन का दिखा दूंगा लीडर बोर्ड। हो गया, मीन्स इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है, ऊष्मा प्रवाह के अध्ययन को कहा जाता है, तो ऊष्मा प्रवाह के अध्ययन को क्या कहा जाता है आप लोगों को ये बताना है। आंसर होना था वो कैलोरमेट्री, जो है आप लोगों का राइट आंसर होना था। अगला क्वेश्चन, जब कोई यौगिक ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर पानी, गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो आप लोगों को बताना है, पानी, गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो प्रक्रिया आप लोगों की क्या कहलाती है? तो बताइए भाई, दहन के साथ इसमें आप लोगों को जाना था। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, जब चैम्बर का गैस खुल जाती है तो इसमें कोई दबाव नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? भाई चैम्बर की डेफ गैस खुल जाती है, उसमें कोई दबाव नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है, बता दीजिए भाई। इतना तो जब हमने पढ़ाया था जब भी नहीं हुआ था। प्रयास इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो उसे क्या कहा जाता है, आप लोगों को ये बताना है। इलेक्ट्रॉन को खोना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन को खोना, इस बात को ध्यान रखना, अभी छोटा सा एक परेशानी होगी। एक ही पीडीएफ है सब क्वेश्चन के लिए सर, बायो फिजिक्स? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐड की जाएगी। हिंदी ऑप्शन क्या? ऑक्सीकरण ऑप्शन, दो ही तो ऑप्शन एक ऐसे हैं जो आपको देना है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, सी और डी में से देना है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑस्मोसिस, अपचयन। तो आपको बताना है अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, वह कौन सा पदार्थ है जिसमें अस्थिर नाभिक होता है और जिसे कहा जा सकता है, तो उसको क्या और कहा जा सकता है? सीधा रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनमें अस्थिर नाभिक होता है, ठीक है। यूरेनियम इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, एक प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और कमी कमी की जगह ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो, तो इसको आप लोग क्या कहते हो? ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, किसी विलयन में जमने वाले ठोस को क्या कहते हैं? तो विलयन में जमने वाले ठोस को क्या कहते हैं आप लोग? जमने वाले ठोस को क्या कहते हैं? ये पीछे वाले का आंसर आया क्या? पोल आया आप लोगों के पास? क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? पोल आया कि नहीं आया? अभी पीछे का नहीं आया, इस वाले का आया कि नहीं आया? पोल आया कि नहीं आया? मेरे पर शो नहीं हो रहा है भाई। ठीक, क्यों, क्या लगाया इसका? बिली लगाया ना आप लोगों ने? इस पर ऑप्शन नंबर सी के साथ इसमें आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, जब एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो बताइए भाई, एक सीधा जो आप लोगों का है गैस में बदल जाता है, ठोस सीधे गैस में, तो ठोस का सीधा गैस में, इसमें जो आप लोगों का है उच्च बनाने की प्रक्रिया, सम्मिलेशन, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, तरल पर अणुओं का एक दूसरे से चिपके रहने का माप कितना कहा जाता है? तो आप लोगों का तरल का एक दूसरे से अणुओं से चिपके रहना का माप को जो है आप लोग क्या कहते हो? मॉलिक्यूल्स, लिक्विड,
स्टिक टू ईच, माप कितना होता है पीडीएफ का, यदि वो भी हो सकता है बताइए। राइट आंसर होगा सरफेस टेंशन, इसको भूतल तनाव या पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों का क्या कहा जाता है, तो ये आप लोग आसानी से बता सकते हो। देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है वो आप लोगों का हेलोजन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जब दो पदार्थ विलीन नहीं होते तो उन्हें क्या कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। विलीन नहीं होते हैं तो आसानी से इसको जो है बता सकते हो, जो मरता, इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि उन्हें जो विलीन नहीं होते, जो मरता नहीं है वो अमर होता है, लाइक दैट, जो मिलते नहीं है वो भी अमर होते हैं। अगला क्वेश्चन, रासायनिक प्रक्रिया को धीमा करने वाला पदार्थ तो आप लोगों का क्या कहलाता है, आप लोगों का इसमें आप लोगों का होगा अवरोध करने वाला, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना था। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों का, घोल में प्रति किलोग्राम विलायक के मोल की संख्या को क्या कहा जाता है, तो ये इसमें जो है आप लोगों का ए राइट आंसर होगा। सी के लिए आप लोग सस्पेंस कर सकते हो एंड स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। ओके अगला क्वेश्चन, जब अम्ल की सांद्रता को बेअसर करके निर्धारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो बताइए। सैद्धांतिक उपज बी के साथ आप लोगों को जाना होगा। 49 वाले का था क्या, सॉरी 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 सॉरी, आप लोगों का 50 पर मुझे वो देना है, लास्ट में सेंड कर देना। ओके, एक परमाणु में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताइए सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या, एक नहीं हुआ कोई बात नहीं, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ओके अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या होने वाला है, ये रहा अगले 50 क्वेश्चनों का नया स्लाइड आप लोगों के लिए, इसमें केमिस्ट्री केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। ओके तो आप लोगों को इसमें पहले क्वेश्चन पर ही आप लोगों को दिखा दिया जाएगा लीडर बोर्ड क्या कहता है आप लोगों का, है ना। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं तो अपना नाम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, जिससे आप लोगों को कॉन्टैक्ट के लिए फायदा हो सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का, नींबू पत्थर का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है, मैंने पहले ही बोला था लास्ट डेट के क्वेश्चन ही आएंगे, है ना, तो आप लोग राइट, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट डेट की क्लास में। ओके अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किस अस्क में से लोहा निकाला जाता है, तो लोहा किस, देखिए लोहे में जंग लगने पर क्या परिवर्तन होता है, तो लोहे में जंग लगने पर सीधा सीधा उसका जो है वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, कहता है आप लोगों से स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलाया जाता है जो उच्च तापमान का अवरोध कर सकता है और उसमें उच्च स्तर की कठोरता अवरोधी घर्षण मौजूद होता है। भाई कल का ही क्वेश्चन है, प्लीज कोई भी गलत मन नहीं लगाना, बोलना चाहूंगा कोई भी गलत नहीं लगाना, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई हम्बल रिक्वेस्ट, निवेदन कर रहा हूं सीधा सीधा। फुल पीडीएफ लास्ट डिस्क बिलोंग्स, दीपक राजपूत जी स्वागत है सर आपका। गुड्डू जी आपका भी स्वागत है सर। तो इसमें जो स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलाया जाता है उच्च तापमान का विरोध कर सकता है, तो इसमें आप लोगों का क्रोमियम जो है आप लोगों का राइट आंसर था। ओके पीडीएफ के अकॉर्डिंग, कठोर कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो लगभग सेम तरीके से आप लोग इसको देखिए, कठोर कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे मिलाया जाता है, तो कठोर में कठोरता प्रदान करने के लिए जो है क्रोमियम को मिलाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ब्लू विट्रियोल क्या है, तो ब्लू विट्रियोल कल ही बताया था, नॉर्मल आप लोग बता सकते हो, बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा, वो कॉपर सल्फेट इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, अभी तो शायद अमरजीत ही विनर होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, स्टील या लोहे के बर्तनों पर जस्ता की परत का लेपन जो है क्या कहलाता है, तो इसको भाई कल कंफ्यूजन था, इसका जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि पतली परत का लेपन कहलाता है, तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, क्लोरेशन या पेंटिंग में पाए जाने वाले पदार्थों की तेजी की जो गंध होती है वो किसके कारण, ऑप्शन एट के अकॉर्डिंग, तो ZnO3PO4 इसमें डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आप, ओके अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जो अगला आप लोगों का दिया गया है वो कहता है आप लोगों का,